हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो ये है आज मेरा मॉर्निंग से है स्टार्ट ये। तो यहाँ हमने आज जो है मॉर्निंग में सब ने नाश्ता जो है बाहर से ही मंगवाया था, तो वही किया था। तो ये है पाए, बटर चिकन और कीमा, दही बड़े और तंदूरी रोटी। तो यहाँ सबका नाश्ता हो गया था, तो सब यहाँ लग गए थे अपने अपने काम पर। आज संडे भी था तो सब घर पर ही थे, तो इसलिए रमज़ान भी आने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर हमारी जो है सफाई स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चों ने जो है बहुत हेल्प की। तो यहाँ जो मिसबा हैं वो उन्होंने सारे जो है ना बर्तन उतार उतार कर अमायरा को दिए। अमायरा ने सारे नीचे जमा दिए और अमायरा जो है उन्होंने सारे कुशन कवर और सोफों के कवर सब निकाल दिए थे। तो वहीं मिसबा भी जितने जो बर्तन हैं और कांच हैं उन्होंने सब नीचे रख दिए थे। तो गाइस, आपके यहाँ भी सफाई स्टार्ट हो गई होगी, नहीं हुई हो तो कर जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपको रमज़ान में इबादत करने का टाइम मिल सके और मेहनत ना करना पड़े, सिर्फ इबादत में ही अपना टाइम लगे जितना हो सके। क्योंकि आपको सबको ही पता है कि रमज़ान में हर चीज़, मतलब जो भी इबादत करते हैं उसका सवाब डबल मिलता है। तो यहाँ हमने जो है सारा बिस्तर जो है वो हटा दिया था, और यहाँ पर जो है वो गर्मियों की भी के हिसाब से भी तैयारी के लिए, अगर आधे रमज़ानों में अगर गर्मी पड़ जाती है तो हम कूलरों को खोलना, सफाई करना ना पड़े, क्योंकि कूलरों की भी सफाई, कूलर एक कूलर जो है उसको भी अच्छे से धो लिया था, और यहाँ जो दूसरा है उसको भी खोल लिया था। तो ये इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें स्क्रू का वो है, तो ज़रा उसमें बहुत ज़्यादा ही स्क्रू हैं, उसे खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। और गाइस, ये फाइबर का है तो इसकी जो है ना सफाई भी बहुत मुश्किल से होती है। तो अब इसका स्क्रू है तो इसको बार बार भी नहीं खोल सकते ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको जो खोला तो इसमें देखिए कितनी सारी इसमें डस्ट हो गई थी इकट्ठा, और जो पानी हम अपन भरते हैं इसके अंदर तो वो जो सारी कीट है वो नीचे बैठ जाती है और जम जाती है। तो गाइस, यहाँ पर जो है ना इसका जो पीछे के साइड का ढक्कन था, इस पर जो ये लगी रहती हैं शील्ड, क्या बोलते हैं, शील्ड ही शायद, तो इसमें जो है ना इसके होल्स में बहुत ज़्यादा डस्ट भर गई थी, तो इसलिए हमने इसे बाहर से धुलवा लिया प्रेशर से। और यहीं मेरे देखिए कितने सारे कपड़े भी और टेडी वियर ये सब धोने के लिए रखे हुए थे, जब तक वो मेरे हस्बैंड उसे धुलवाने के लिए ले गए थे, तो मैंने यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी इसको क्लीन कर लिया था अंदर से। ये बहुत इसमें जो मतलब कुछ बने हुए थे तो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट भर गई थी, बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ कितना सारा फैलावा, और फिर मैंने यहीं पे सारी जो है ये जो छोटे छोटे जाले हैं उन्हें साफ़ किया। यहाँ 4 से 5 दिन में ही कितने जाले लग जाते हैं, उनको क्लीन करो फिर वैसे ही। तो यहाँ पर जो है कि ये धुलवा कर ले आए थे, तो ये देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है। फिर मैंने यहाँ जो बेड है उस ऊपर जब ये जाले और धूल की सफाई की, तो ये बेड पे भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। फिर मैंने यहाँ बेड के साइड का कि अच्छे से जो है क्लीन किया। तो गाइज, अब आई सोफ़ों की बारी थी। यहाँ जिस सोफ़ों के साइडों में लकड़ियाँ हैं ना, इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी, तो फिर मैंने इसकी भी डस्टिंग की। अब आती है टेबल की बारी। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो टेबल पर कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, पेंटिंग या खाना पीना, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो गाइस, अब यहाँ पर आती है हमारे ड्रेसिंग की बारी। तो यहाँ पर भी देखिए कितनी डस्ट हो गई, कांच भी कितना गंदा हो गया है। गाइस, अब हमने यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसके कांच को ना साफ़ कर दिया है। तो यहाँ मैंने ना घर का देसी जुगाड़, पानी, थोड़ा सा पानी कांच पर डाला और कागज़ से उसे साफ कर दिया। देखिए कैसे चमक गया है, और वहीं के
तो गाइज अब आती है, हमने यहाँ पर जो है गद्दा वो बिछा दिया था और अब आती है बेडशीट की बारी। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछा दी और फिर लगना था झाड़ू, तो मैंने यहाँ पर लगा दी झाड़ू। अब आती है पेंट की बारी। तो जो हमने कलर धोया था वो सूख गया था, तो अब हमने इस पर कर दिया पेंट। ये बिल्कुल चमक गया, मगर गाइस एक अफसोस की बात ये है कि इसका जो टैंक है वो पता चला कि वो बाद में फूटा निकला। हमें लगा शायद एक ही जगह उसमें होल हुआ है, तो हमने उसमें एम से लगा दी, मगर उसमें तो दो तीन जगह से होल दिख रहे हैं, तो ये अब चेंज होगा। फिर मैंने यहाँ बिछा लिए थे सारे सोफों के कवर। तो गाइज आज था मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो यहाँ पर सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। दिन भर से काम में लगे हुए थे, शाम को फ्री होकर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो है ना हमारी सफाई हो गई थी, तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये देखिए सारे बर्तन वर्तन जो है ना सब अच्छे से जमा दिए और ये पूरा अच्छे से जो है ना क्लीन कर दिया। देखिए कितना अच्छा साफ हो गया है। अब हमें पूरे रमज़ान सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये भी अच्छे से धो लिए था और इन्हें जमा दिया है। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी रमज़ान।